हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं J4 Plus, सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके आपको बताते हैं कि फ़ोन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। दोस्तों, आज जिस फ़ोन का हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus। गोल्ड कलर का है, 2 GB रैम है इसका और 32 GB इंटरनल है। दोस्तों, ये जो बॉक्स है दोस्तों, इस पे लिखा है इंडियन सिम कार्ड ओनली। चलिए दोस्तों, ठीक है, हम इंडियन हैं, हम अपना सिम लगा लेंगे दोस्तों इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब फ़ोन को देख लेते हैं, फ़ोन कैसा लग रहा है दोस्तों। तो फ़ोन दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, इस फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में भी बताते हैं। और ये दोस्तों अपने फ़ोन देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये जो ग्लास मेटल का बना हुआ पीछे का बैक कवर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अपने गोल्ड कलर का है। पावर ऑन कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दोस्तों। अब बॉक्स के अंदर ये कुछ मैनुअल गाइड है जो साइड में रख देते हैं, ये कोई नहीं पड़ता है। और देख लेते हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus डिस्प्ले पे शो कर रहा है। चलिए, ये अपना ट्रेवल एडेप्टर है जो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का है, जो फास्ट चार्जिंग नहीं देगा। सैमसंग बड़ी गलती कर रहा है इस पर, फास्ट चार्जिंग उसे बनाना ही चाहिए। और एक कुछ इजेक्टर टूल है जो आपको सिम निकालने के काम आएगा दोस्तों। और ये आपका USB केबल जो चार्जिंग के काम आएगा और डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आएगा। और ये पुराने सैमसंग के हेडफोन जो पुराने के पुराने ही रह गए, अभी तक नए नहीं बने दोस्तों। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फ़ोन में नए हेडफोन सैमसंग लाए और अच्छा रहेगा। तो ये है अपना सैमसंग का फ़ोन दोस्तों, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है 32 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड और 2 GB रैम दोस्तों। ये हमारे हाथों में गोल्ड कलर का फ़ोन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, इसको ओपन कर लेते हैं, जो ऊपर का कवर है इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि कैसी शाइनिंग आ रही है दोस्तों। तो इसके तो ये फ़ोन दोस्तों अपने हाथ में गोल्ड कलर का है, जो अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखने में अच्छा लग रहा है। क्या इसके अंदर के फीचर्स भी अच्छे हैं दोस्तों, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो बैक कैमरा दोस्तों है, इसके पीछे का कैमरे की बात कर रहे हैं Bitelity के साथ। ये कैमरा 13 MP कैमरा है दोस्तों, जो कैमरे की बात कर रहे हैं वो 13 MP कैमरा है। और फ़ोन शाइनिंग बहुत अच्छा शाइनिंग दे रहा है दोस्तों, बैक से बहुत ही अच्छा ग्लास मेटल का है। और ये फ़ोन को ऑन कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि इसके फ़ोन के अंदर और क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सब एग्री कर लेते हैं, एग्री करने के बाद आपको बताते हैं कि फ़ोन के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है दोस्तों। तो फ़ोन आपको 12,000 रुपये में मिल रहा है मार्केट में अभी, और कहीं कहीं कम भी है प्राइस इसका। तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus। चलिए जल्दी से इसको नो थैंक्स करके और ऑन स्किप कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है, आगे की तरफ आपको 5 MP कैमरा मिला है दोस्तों। यहाँ पे इसको 13 MP सैमसंग को करना ही चाहिए था, गलती या कुछ कर रहे हैं, फ़ोन तो अच्छा बना। तो फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक ठाक फ़ोन लग रहा है, जो इसकी प्राइस है 12,000 रुपये में, 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल दोस्तों। आपको राइट साइड में पावर की मिल जा रहा है। और ये देख लीजिए, सब स्किप कर लेते हैं, यहाँ से फ़ोन ऑन करना है दोस्तों। जल्दी से आपको ऑन करके बता देते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पावर की दिया है और नीचे की तरफ आपको चार्जिंग एडेप्टर और एक 3.5 mm जैक। और फ्रंट की तरफ ये दोस्तों देखिए, ये फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों, वो अच्छा लग रहा है। कलर जो इसका कलर है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ मेनू है दोस्तों, ये मेनू आपको बता देते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसके डिस्प्ले साइज़ की बात कर लेते हैं, तो इसके डिस्प्ले साइज 6 इंच HD+ है। और ये कैमरा है दोस्तों, कैमरे के बारे में देख लेते हैं, कैमरा भी बहुत ही अच्छा है। रियर कैमरा 13 MP है। और फ्रंट के कैमरे की बात करते हैं, तो फ्रंट के कैमरे आपको 5 MP मिलने वाला है। और जहां तक बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बैटरी आपको इसके अंदर 3300 mAh की मिलने वाली है। और इसके अंदर प्रोसेसर की बात कर लेते, तो स्नैपड्रैगन आपको 425 मिलने वाली है दोस्तों, जो ये गलत है सैमसंग की तरफ से, ये गलत ही है।
यहाँ पे उनको कुछ आगे प्रोसेसर की बढ़ाना चाहिए, 636 देना चाहिए या 625 भी चलेगा दोस्तों, मगर यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं। अगर ये वीडियो हमारा दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, टाटा।